तो धन्यवाद खुलम खा खुलम भाई, आज हमारे साथ हमारा दोस्त असम का बहुत ही एनर्जेटिक एंड यूथ लीडर और ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन का एक्स असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और करेंटली जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ असम जातीय परिषद, ए राइजिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ असम, कास्तम बसुमतारी जी हमारे सामने उपस्थित थे और हमारे 23 अगस्त में उन्होंने हम लोगों को साथ देने के लिए हमारा साथ आया। हम लोग को बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुशी है और उनको बार बार आने के लिए निमंत्रण करता हूँ। और हमारे साथ हमारा TTAADC गवर्नमेंट का सदस्य है, काउंसिल का MDC, और हमारा यूथ लीडर बहुत ही एनर्जेटिक त्रिपुरा का लीडर पीतर जी, पीतर देववर्मा जी, और मैं डेविड मुरासिन। आज हम ये कहना चाहते हैं और उनसे भी कुछ बातें सुनना चाहूँगा। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, त्रिपुरा में BJP जितना भी वादा किया था उनका खुद का वादा खिलाफी खुद BJP कर रहा है। जनता में त्राही त्राही हो गई है 4.5 साल में। त्रिपुरा में 2018 से पहले लेफ्ट का शासन था, CPM का शासन था, 25 साल लगातार CPM त्रिपुरा में शासन कर रहा था। CPM का शासन में त्रिपुरा का जो त्रिपुरी ट्राइबल है उनका हाल बेहाल हो गया था। उसी वजह से खुद का भूमि पे भूमिपुत्र लोग, यहाँ का तिपरासा लोग वंचित हो गए और जो बाहरी लोग वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक, बिजनेस सब कुछ में अपना दबदबा बना लिया और पूरा जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ जो CPM है वही लोग विदेशी लोगों को कैपिटलिस्ट त्रिपुरा में बना दिया। उसी वजह से त्रिपुरा में 1984 23 अगस्त में TTAADC का मांग करके हम लोग को TTAADC मिला था, ट्राइबल राइट्स को हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन 1984 23 अगस्त के बाद हम लोगों ने जो देखा 6 शेड्यूल से हम लोग का ट्राइबल राइट्स को यहाँ पे सुरक्षित करने में किसी ना किसी जगह पे CPM और यहाँ का जो पार्टी से उनको चूक हो गए हैं। इसी वजह से आज भी हम लोग वहाँ से उभर नहीं पाए। और 2018 में उसी वजह से त्रिपुरा लैंड का मांग को लेकर जिस मूवमेंट त्रिपुरा में 2009 से शुरू हुआ, अलग राज्य की मांग पे IPFT के बैनर पे हम लोग खुद IPFT पहुंच समय हम लोगों ने पूरा त्रिपुरा में घूम घूम के प्रचार किए और IPFT को इतना काबिल बनाया कि IPFT को सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाने में मजबूर हो, त्रिपुरा लैंड के बारे में बातचीत करने के लिए होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो, और मजबूर भी हो गया। लेकिन IPFT और BJP ने जिस तरीके से यहाँ की जनता को गुमराह किया वो हम लोग अभी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं 4.5 साल की IPFT और BJP के शासन के बाद। IPFT के जो सपोर्टर्स, त्रिपुरा लैंड के सपोर्टर्स को धोखा दिया गया, उन लोगों का जो मॉड्यूलिटी कमिटी का जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ भी नहीं था और कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 44 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का बात किया था, एक भी स्कूल का अभी तक नामो निशान नहीं है, सिर्फ उद्घाटन हुआ स्टोन प्लेट का, लेकिन स्कूल दिखाई नहीं देता, सिर्फ जंगल दिखाई देता है। हम लोग के ADC गवर्नमेंट ने आते ही अभी बिना उद्बोधन कहीं बहुत सारे स्कूल हम लोग खोल दिए हमको एक्सटेंशन करके, और हमने कस्टम जी को उसका दौरा भी कराया, उस स्कूल विजिट भी करवाया। वो लोग सिर्फ उद्घाटन करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। और एक बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 4.5 साल बाद त्रिपुरा का जनता ने उन लोगों को BJP IPFT को छोड़ के
हम लोग का तिपरा मत हमें आना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है पिछले TTAADC का काउंसिल का इलेक्शन, जिस इलेक्शन 2020 में होने वाला था उसको कोरोना के नाम पे वो लोग एक साल तक लेट कर गए। बाद में हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाके केस करने के बाद मजबूरी में उन लोगों को इलेक्शन करना पड़ा। और त्रिपुरा का इतिहास में यह पहली बार है, त्रिपुरा का 72 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में यह पहली बार है कि एक ही महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होता है और जो पार्टी नया गवर्नमेंट फॉर्म किया है स्टेट में उसके खिलाफ जाके काउंसिल में गवर्नमेंट फॉर्म किया है। यह पहली बार हुआ है त्रिपुरा में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो भी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में रहता है उसी पार्टी के पक्ष में काउंसिल में भी चुनाव में लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन बीजेपी ने इतना खराब काम किया, अपने 2 साल के शासन में ही बिप्लब देव का सरकार ने इतना खराब काम किया, इतना घटिया काम किया, जिस 10,323 को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी रेगुलर करने का वादा किया था, खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला था घुमा घुमा के चलाओ उसको, अगर 10,323 का नौकरी चला जाएगा तो हम बोल रहे हैं बीजेपी को बहुत मत दो लोकसभा में, ऐसा खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोल के गया था। तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं था 2018 से पहले, वो वीडियो भी बहुत वायरल होता है। लेकिन अभी तक 10,323 को नौकरी नहीं मिला, वो लोग सड़क पे उतर गया और बहुत सारे लोग मर भी गए, सुसाइड भी कर लिया और अभी तक सड़क में है। रतन लाल नाथ जी के घर घेराव चल रहे होते एजुकेशन मिनिस्टर के घर का। तो इतना घटिया काम किया, इतना उन लोगों ने जो वादा किया, 15-15 लाख रुपया का वादा किया, पेट्रोल हाई प्राइस का मुद्दा का बात कर लीजिए, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है तेल का जो हाई प्राइस है इसके बात कर लीजिए, सब कुछ में रहेगा का जो भत्ता है उसको बढ़ाने का बात किया था, बुरा भत्ता वृद्ध भत्ता बढ़ाने का बात किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो, उल्टा बहुत बुरा भत्ता वृद्ध भत्ता भी खत्म कर दिया बहुत सारे जगह में, और रहेगा भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रही। जो रहेगा का रुपया बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से काउंसिल में वो लोग शासन में आने की 2 साल बाद वो लोग खुद काउंसिल हार गया, बहुत सारे छप्पा वोटिंग और रैगिंग करने के बाद भी काउंसिल में हार गया। ये बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है और यहाँ का जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग जो गलती किया बीजेपी ने उसका शिक्षा हम लोग काउंसिल में दे दिया। तो इसी डर की वजह से आज बीजेपी यहाँ का एक लोकल और एक इलेक्शन है जो है BC इलेक्शन। BC मतलब कि ग्राम पंचायत इक्वावेलेंट टू BC है हम लोग का काउंसिल में। 587 BC का जो चुनाव एक साल पहले कराना था, अभी तक वो लोगों ने BC इलेक्शन कराने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानता है अगर BC इलेक्शन कराता है तो 587 में 550 तो हारेगा ही हारेगा वो लोग। इसी डर की वजह से वो लोग अभी तक BC इलेक्शन नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये जो BJP जो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, जो नेशनल फ्लैग को अपमानित करते हैं, जो सावरकर और क्या है नाथुराम गडसे जो महात्मा गांधी जी का हत्या किया नेशनल फादर का, उनको जो मानने वाला जो आदर्श का जो BJP है वो लोग सिर्फ गोमूत्र पिला सकते हैं और जुमलाबाजी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो लोग ये संविधान को नहीं मानते, इसीलिए चुनाव भी नहीं करा रहे, और ये चुनाव अगर हो गया तो वो लोग हारेगा ही हारेगा। तो इसी वजह से और एक बात है, अभी ये चुनाव BC इलेक्शन हम लोग कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं उन लोग को। हम लोग हाई कोर्ट में केस अपील किया है और हाई कोर्ट ने यह राय दिया है कि BC इलेक्शन आप लोग नवंबर के अंदर कराना पड़ेगा। ये हम लोग का और एक अचीवमेंट है। और त्रिपुरा में अभी जितना भी बाई इलेक्शन हुआ वो बाई इलेक्शन में भी जुमलाबाजी था। IPFT का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विश्व केतु जी खुद रिजाइन दे के IPFT छोड़ के BJP में, IPFT छोड़ के तिपरामथा में ज्वाइन किया।
ग्रेटर तिब्रलिन को सपोर्ट करके, लेकिन उनको साहस नहीं था कि वो जो सीट में फिर से चुनाव कराए, इसीलिए उनका एमएलए रिजेक्शन भी करवाने का उनका साहस नहीं था और बाई इलेक्शन भी नहीं करवाया। उसमें वो लोग हारने वाला था एसटी सीट में, और जिस जिस सीट में वो लोग जीतेगा सोचा था वही तीन सीट में वो लोग इलेक्शन करवाया। और उसमें भी सबसे मजेदार बात है, त्रिपुरा में पहली बार हम लोग रीजनल पार्टी होके एसटी एरिया ट्राइबल एरिया का बाहर जाके हम लोग इलेक्शन लड़ा, वो भी एक बार नहीं दो दो बार लड़ा। पिछले जो म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन था उसमें भी हम लोग कॉम्पिटिट किया, अगरतला में जाके हम लोग फाइट किया और बहुत ही क्लोज फाइट हुआ अगरतला का, उस सीट में बहुत ही कम वोट मार्जिन में हारा। और पहली बार 72 इयर्स में हम लोग यहाँ का रीजनल पार्टी तिफ्रामो था या कोई भी रीजनल पार्टी एडीसी का बाहर जाके अम्बासा म्यूनिसिपल काउंसिल में जाके हम लोग एक सीट जीता भी, ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। और उसके बाद हम लोग पहली बार त्रिपुरा में एक शेड्यूल कास्ट जो बंगाली डोमिनेटेड एरिया है उसमें जाके हम लोग इलेक्शन लड़ा और बहुत ही कम वोट से हम लोग हारा। सिर्फ 14,000 एसटी वोटर्स था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आउट ऑफ 14,000 एसटी वोटर 14,000 एसटी वोटर हम लोग को 12,098 वोट्स मिला। और अगर 2,000 वोट बीजेपी से हम लोग ला पाता, अगर वो लोग यहाँ पे रैगिंग छापा वोटिंग नहीं करता तो वो सीट हम लोग जीतता। और बहुत ही शर्म की बात है, उन लोगों का ही जो सीट बीजेपी का खराब काज की वजह से बीजेपी से छोड़ के आया, तो जो विधायक बीजेपी छोड़ के जो आया उसने बाई इलेक्शन करवाया, और वो दो सीट में से एक सीट तो वो लोग हार भी गए सुदीप राय बर्मन के हाथ में। ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए, इसी वजह से वो लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। मुझे तो लगता है अगले विधानसभा में वो लोग नहीं करवाएगा। इसी दौर का माहौल बीजेपी का पैदा हो गया, और इसी बीच हम लोग का काउंसिल को तोड़ने का, घोड़ा बेचने का काम इधर करने का, एमएलएम इसी खरीदने का काम इधर भी करने का वो लोग कोशिश कर रहे, लेकिन आज हम लोग तिपरासा लोग एक है। इसी वजह से उल्टा बीजेपी का जो काउंसिलर है, बीजेपी का जो एमडीसी है यहाँ का काउंसिल का विद्युत देववर्मा जी, कुछ ही महीने पहले हम लोग का पार्टी में ज्वाइन किया बीजेपी छोड़ के। और भी शर्म का बात यह है कि खुद लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ का काउंसिल का जो लीडर ऑफ अपोजिशन हंस कुमार त्रिपुरा जी बीजेपी छोड़ के 6,500 वोट्स लेके वोटर्स लेके एक दिन पहले मणिकपुर में रैली करके 6,500 वोटर लेके त्रिपुरा मथा में ज्वाइन किया। इसका मतलब त्रिपुरा में बीजेपी का जो विश्वास है बीजेपी के ऊपर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये विश्वास सबका साथ सबका विकास भी नहीं हुआ, सबका साथ सबका विनाश हुआ, इसीलिए विश्वास भी उनके ऊपर नहीं रहा। ये विश्वास अभी महाराजा के ऊपर है त्रिपुरा में, और हम लोगों को मालूम है अगले चुनाव में बीजेपी को हम लोग यहाँ पे हराएगा, इसी कॉन्फिडेंस में हम लोग यहाँ पे लड़ रहे। और इसी वजह से आज यहाँ पे वो लोग और एक गेम खेलने जा रहे हैं, इसका आज मैं पहले से खुलासा करना चाहता हूँ। पिछली बार हम लोग खुलासा नहीं किया था, यहाँ का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इतना घटिया काम किया, आप लोग उनको कॉमेडी किंग के नाम पे सारा इंडिया में फेमस हो गया, बिप्लब देव जी एक्स सीएम, उनका इतना घटिया काम किया, इतना करप्शन हुआ, आप सोच भी नहीं सकते त्रिपुरा में पहली बार। इसी वजह से मजबूरी में अगर उनकी फेस से फिर वो लोग चुनाव लड़ेगा तो हारेगा ही हारेगा, ये उन लोगों को खुद मालूम था। इसी वजह से मजबूरी में उनका खुद का हाई कमांड उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा और उनको हटाना पड़ा। और अभी नया मुख्यमंत्री छह महीने के लिए नया मुख्यमंत्री मानिक शाह को अपॉइंट करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 4.5 साल में वो लोग जितना घटिया काम किया अगले 6 महीने में वो लोग करेगा, अभी भी नहीं करेगा। इसी वजह से वो लोग हमारा ट्राइबल एंटी ट्राइबल रूल अभी भी ले रहे, और इसको वो लोग पॉलिश करने के लिए अभी क्या करने जा रहा है मैं खुलासा कर रहा हूँ। आज खुलासा करने की बात हो सकता है वो लोग ये नहीं भी करें, वो लोग यहाँ का एक ट्राइबल जो एमपी है जो बहुत ही एंटी ट्राइबल है जो पपेट है रेवती त्रिपुरा जी, उनको वो लोग स्टेट का प्रेसिडेंट बना के त्रिपुरासा का दिल जीतने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आसाम में सर्वानंद सोनोवाल को जब आसाम में गवर्नमेंट लाने का के लिए कोशिश किया था तब सर्वानंद सोनोवाल को सामने रखा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी स्ट्रांग हो गए सर्वानंद सोनोवाल
एक ट्राइबल को हटा दिया वहां से। इसी तरीके से त्रिपुरा में भी अब रेवती को लोग फेस करना चाहते और सेम पॉलिसी सीपीएम भी लेके रखा है। यहाँ का सीपीएम का एक टॉपिक है जितेंद्र चौधरी जी, उनको जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है। जब अच्छा दिन है तब हमारा ट्राइबल का दिन नहीं है, जब खराब दिन है तब ट्राइबल लोगों को सामने रख के राजनीति करते हैं, ये बीजेपी और दूसरे पार्टी का पॉलिसी है। और हम लोग इसीलिए खुद का पैरों में हम लोग खड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं और ये पैरों में खुद का घर बना के हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो इंस्पिरेशन हम लोग महाराजा के साथ लड़के जो मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि उस इंस्पिरेशन में अभी हम लोगों को आसाम का जनता भी दे रहे हैं। आसाम का हम लोग का भाई लोरेन ज्योति जी का जो पॉलिटिकल पार्टी है आसाम गणमुक्ति आसाम जातीय परिषद, वो लोग का नया पार्टी है, वो लोगों ने भी साइन किया है हम लोग का पार्टी को ग्रेटर त्रिपुरा को सपोर्ट करने के लिए। और हमारा भाई हमारा बीच मौजूद है, बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आसाम में ये हो रहा है, ये अच्छा काम है। जैसे कि त्रिपुरा का झूठे बातें आसाम में और दूसरे स्टेट में जो फैलाया जाता है, इसी तरीके से आसाम का बारे में आसाम में तो अच्छा हुआ, ये हुआ, नौकरी मिला, ट्राइबल का ये राइट्स मिल गया, ऐसा झूठे बातें त्रिपुरा में आके भी वो लोग फैलाते हैं। तो इसी वजह से आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आसाम में क्या हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, ये हमारा भाई आपको बताएगा।